नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। सारा सेठ के चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों यह प्यारी सी ड्रेस आप कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। इसमें देखिए मैंने बूटी लगाई है, आप लोग को नहीं मिलती है तो उसका भी मैं उपाय बताऊंगी। और ये जो फ्लावर देख रहे हैं आप, ये वाला और ये वाला और यह नेट की तरह जो बना है, यह सारा आप हाथ से बना सकते हैं। आप बूटी की जगह छोटे छोटे फ्लावर बना के लगा सकते हैं, वो भी मैं बताई हूँ आपको। और यहाँ देखिए, यहाँ भी आप छोटे मोती लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, स्टोन लगा सकते हैं। और ये वाला देखिए, ये जो है छोटी छोटी, देखिए छोटे छोटे स्टोन टाइप के हैं, इसको आप धागे से बांध सकते हैं। मैंने धागे से ही बांधा है, ऊपर से मैंने लगा दिया है। आप अगर आपके पास हो जैसे शाइनिंग वाले धागे, तो आप इसके उससे बांधें तो आपको कुछ भी लगाने नहीं पड़ेंगे। और इसमें मोती से भी आप अगर नॉर्मल धागे से बांध रहे हैं, तो आप सिलाई वाले जो धागे आते हैं उससे अगर बांध रहे हैं, तो इसमें छोटे छोटे मोती आप लगा दीजिए। इस तरीके से यहाँ फ्लावर लगा दीजिए आप, और बड़ी मोतियाँ लगा सकते हैं। तो मेन बेस जो ये चीज़ है, ये नेट बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ, और ये फ्लावर कैसे हैं वो फ्लावर, और इस स्टोन की जगह आप क्या लगा सकते हैं वो भी मैं बताऊँगी वीडियो में। और यह देखिए पटका, पटका देखिए मैंने नेट का ही बनाया है, जो ये नेट है। और मोतियों को नॉर्मली मैं पिरो ली हूँ, देखिए इस तरीके से, पहले एक मोती, फिर इसको मैंने कच्चा करके सारा इकट्ठा कर लिया है, फिर ये मोती मैंने पिरो लिया है एक पे एक। और ये इनका, सॉरी के इनका चोली। आपको कैसी लगी ये पोशाक, आप बना सकते हैं दिवाली पे। दोस्तों काफ़ी अलग है और बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों यह मैंने बेस तैयार कर लिया है, छोटी छोटी प्लेट्स डाल के बकरम के ऊपर, और किनारे किनारे मैंने लेस तैयार कर लगा के तैयार कर लिया है, कट करके यहाँ भी तैयार कर लिया है। इसको बनाना मैं आपको बताई हूँ, आगे मैं इसका लिंक आपको दे भी दूँगी कि जिसे आप बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने एक एक इंच की पट्टियाँ काटी हैं, चौड़ाई इसकी एक इंच है, देखिए इस प्रकार से। क्योंकि यह डार्क कलर है और येलो कलर जो है लाइट है, तो उस इतना उभर के नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें अर्गंडे का कपड़ा ऐड कर लिया है। और इसी तरह सारा मैं यहाँ हाफ में हाफ तक मैं इसको लगा के सिलाई कर लूँगी। देखिए इस तरीके से हम अर्गंडे का कपड़ा डाल के इसको इस तरीके से मोड़ के और दो दो करके सिलना है, एक पट्टी में दो होना चाहिए। जैसे ये एक लिया, फिर इसके बाद मैं एक और लूँगी, दो दो पट्टियाँ एक साथ में जोड़ के आपको सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से आप मोड़ के, देखिए इस प्रकार से आप डबल कर लीजिए। देखिए एक साथ दो पट्टियाँ हैं, तो एक पट्टी को हम, पहला जो पट्टी रहेगा उसको छोड़ना है हमको। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, और आप एक बार कर लेंगे शुरुआत का चीज़ तो बाकी आपका आराम से बनते रहेगा। बस एक वाली पहली पट्टी जो है उसको हमको छोड़नी है, फिर देखो इसको दूसरी वाली से, जो एक साथ मैंने ली है दो पट्टियाँ, उसकी एक पट्टी छोड़ के दूसरी वाली को और अगली एक पट्टी को लेके इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। देखिए यह मैंने नॉर्मल धागा लिया है, जो सिलाई वाला धागा होता है वो लिया है। फिर देखिए यहाँ पे भी दो पट्टियाँ थी, तो उसकी एक पट्टी लेके और अगले की एक पट्टी लेके मैं इस तरीके से इसको भी करूँगी। और ये ध्यान रखिएगा कि जितने इंच पे आप सिलाई लगा रहे हैं बराबरी में लगाइएगा, छोटा बड़ा ना हो, टाइट टाइट लगाइएगा, अच्छे से नॉट बांधिएगा कि खुले ना ही। फिर देखिए ये दो तैयार हो गई, सेम इसी तरह अगला करना है हमको, एक पट्टी इसमें की लेनी है, एक पट्टी उसमें की लेनी है, लेके फिर किनारे किनारे का हमको अच्छे से अंदर डाल के, क्योंकि दिखे ना किनारा, इस तरीके से सिल लेना है। अस्तर आप अगर बनाए तो डार्क कलर बनाए तो अस्तर आप नहीं लगाइएगा, मेरा उतना उभर के नहीं आ रहा था इसलिए मैंने लगाया है। अगर आप अस्तर नहीं लगाएंगे तो और भी अच्छे से आराम से हो जाएगा आपको, ठीक है।
अगर आप लाइट कपड़ा, डार्क कपड़े के ऊपर लाइट कपड़ा यूज कर रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा है तब आप यूज इस तरीके से करें, नहीं तो आप नॉर्मली इसी तरह ले लीजिए। देखिए यहाँ पे लास्ट में भी मैं करके दिखा दे रही हूँ कितना सुंदर आया है ये जिगजैग वे में। देखिए इस प्रकार से ये होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा नेट है आपके उसको आप इस तरीके से कट करके थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ये अच्छा लगता है। बिल्कुल पास से मत करिएगा, थोड़ा सा छोड़ के फिर सारे इस तरीके से कट कर लीजिएगा। देखिए कट करने के बाद देखिए इसमें मैंने स्टोन, जो कि मैं पहले भी बता दी हूँ आपको, मोती, छोटे स्टोन या फ्लावर, ठीक है, जो भी कुछ मिले आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, धागे अगर आप शाइनिंग वाले यूज करेंगे तो आपको यहाँ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इसमें इस तरीके से लगा सकते हैं। यह करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे फ्लावर बनाने के लिए यह 24 इंच लंबा कपड़ा लिया है मैंने, और यह मतलब 2 इंच चौड़ाई इसका कपड़ा लिया है। इसको मैं इस तरीके से मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद सुई धागा लेके नॉर्मल जैसे कच्चा करते हैं उसी तरह कर रहा है हमको, नीचे से, ऊपर का मत लीजिएगा, बस नीचे से देखिए इस प्रकार से पकड़ के, और शुरुआत से लेके पूरा लास्ट तक हमको इस तरीके से कच्चा करते हुए पूरा आना है। हम इसी का फ्लावर बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि कितने लोग हैं जिनके यहाँ ये बूटी वगैरह नहीं मिलती है तो वो लोग कैसे बनाए, तो इसीलिए मैं इसका फ्लावर बना रही हूँ। और किनारे में मैं फिर बोल रही हूँ दोस्तों, आप परेशान मत होइएगा, यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर आप फोम के भी आराम से मिल जाते हैं। फोम के नहीं हो तो जैसे ये मैं बड़ा फ्लावर आपको बता रही हूँ उसी तरह छोटे छोटे आप फ्लावर बना सकते हैं।
देखिए यहाँ पे मैं सारे अब इस तरीके से करके ऐसे ही हमको चार तैयार करना है। 24 इंच की जो पट्टी होगी यह चार हमको तैयार करनी है, दो एक में लगेंगी और दो एक में लगेगा। ड्रेस का कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हैं दोस्तों, ये हमें अच्छा लगा इसलिए हमने लिया, काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। देखिए ये हमारे होने के बाद मैंने और भी इतने सारे बना रखे हैं। और फिर देखिए ये मैंने एक सर्कल लिया है और इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया है। ये हार्ड पेपर है उसका मैंने किया है और इसके ऊपर ये दिखे ना इसलिए मैंने येलो कलर का एक कपड़ा चिपकाया है, फिर पेंसिल से मैंने मार्क किया है। अब देखिए ग्लू गन से जैसे जैसे मार्क किया है वहाँ वहाँ हमको नेट लगाना है जो हमने सिलाई की है। सिलाई वह करने के बाद थोड़ा खींच के सिकुड़न आ जाएगी इस तरीके से, फिर गांठ बांध देंगे, गांठ बांधने के बाद इसी तरह आ जाएगा लुक उसका, फिर इसको इस तरीके से आप लगाएंगे। यह फ्लावर बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों, आप साटन वगैरह के भी इस टाइप के फ्लावर बना के आप पोशाक में लगा सकते हैं, वह भी काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ देखिए मैं दूसरा वाला लगाऊंगी। देखिए जैसे मैंने निशान लगाया है उसी पे मैं ग्लूगन से चिपका लूँगी, आप कोई भी आपके पास गोंद हो उससे चिपका लीजिए, आराम से चिपक जाएंगी। देखिए इस तरीके से नीचे वाला पार्ट जो हम सिलाई किए हैं उसी को हमको इस तरीके से घुमा के लगाना है। देखिए इस प्रकार से घुमा घुमा के लगा देंगे, लास्ट वाला भी हमको आराम से इस तरीके से चिपका लेना है। देखिए एक फ्लावर हमारी बनके तैयार हो गई और सेम इसी तरह मैं दूसरे फ्लावर भी बनाऊंगी। देखिए लगाने के बाद फिर बन जाने के बाद इस तरीके से बस चिपका लेना है आपको, दूसरा वाला भी चिपका लेंगे। इस पे चाहे तो बीच में आप मोती लगा सकते हैं स्टोन, मेरे पास था तो वो मैं लगा दी हूँ, आप परेशान ना हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो जो आराम से मिल जाए वो लगा दीजिए, नहीं मिले तो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। देखिए ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई। या जो जाली की तरह जिगजैग पे है इसको आप पूरे में भी कर सकते हैं दोस्तों, मैंने हाफ किया है। ये देखिए मैंने लटकन भी बना दिया और वो चोली भी, आपको कैसा लगा? राधे कृष्णा।